कितने चाकू से वार किया? बस एक चाकू इतना गहरा मारा था कि उनको खून की पिचकारी चल गई थी। प्रेमिका ने अपने प्रेमी को और भाइयों को बुलाकर अपने पड़ोसी का मर्डर करवा दिया। खाना वाना खा के बाहर आए थे, इन बच्चों को बोला तुम ऊपर जाओ, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आ रहा हूँ। गली में बाहर आए, इधर से एक लड़की आ रही थी, गालियां वालियां बकती जा रही थी। इनके पापा ने बोला कि भाई आप गालियां वालियां ऐसे मत बकते हुए जाओ। उसने बस इतना बोला तो वो इनको उल्टा गालियां वाली देने की बदतमीजी से बोलने लगी। बस इस बात पे वो उन्होंने डांट दिया। इधर से दो लड़के आए बाइक पे, बाइक से उतरे और कॉलर पकड़ के जो आगे बाइक चला था उसने उनको छुरी ली। परिवार में पालन पोषण के लिए कौन भी नहीं, यही करने वाले थे जो क्या काम कर रहे थे। इन स्कूल में इनकी गाड़ी लगी, पापा को ज्यादा खून बह रहा था तो खून रोकने के लिए कपड़ा भी लगाया था पर नहीं रुका खून। किसी के बाप का साया सर से हटाना, किसी इंसान को जरा सी बात है मारना बहुत अच्छी बात नहीं है। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो यूं चाहेंगे उन पांचों को सजा होए। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। समय मौजूद हूँ नागलोई में, जहाँ बीते दिन मर्डर हो जाता है और कल त्योहार है, होली का त्योहार है और ऐसे खुशी के माहौल में एक परिवार में मातम पसर जाता है। बता रहे हैं कि एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को और भाइयों को बुलाकर अपने पड़ोसी का मर्डर करवा दिया। आइए जुड़ते उस परिवार से, क्या पूरा मामला था और क्या हुआ था कि इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती, किस तरीके से पड़ोसी आवेश में आकर अपने ही पड़ोसी का मर्डर कर देता है। क्या नाम है मैम आपका? गीता। दोपहर में मर्डर हुआ है? रात को हुआ है, 9 बजे, 9:30 से 10 के बीच में। खाना वाना खा के बाहर आए थे, इन बच्चों को बोला तुम ऊपर जाओ, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आ रहा हूँ। ये बच्चे ऊपर चले गए छत पर। आपके हस्बैंड ने ऐसा बोला था? हाँ, गली में बाहर आए, इधर से एक लड़की आ रही थी जिसे आप जानते हैं, पड़ोस में रही हुई है, गालियां वालियां बकती जा रही थी। तो इनके पापा ने बोला कि भाई आप गालियां वालियां ऐसे मत बकते हुए जाओ। उसने बस इतना बोला तो वो इनको उल्टा गालियां वाली देने की बदतमीजी से बोलने लगी। बस इस बात पे वो उन्होंने डांट दिया कि तू इस तरीके से बात कर रही है तो ये शोभा देता है लड़कियों का ऐसे बोलना। चल तुम्हारे घर चल रहा हूँ, तेरे मम्मी पापा को तो मैं शिकायत करके आऊँगा। घर गए हैं, इसको यही धमकी दे के गई थी वो लड़की कि तू रुक, तुझे यहीं मरवाऊँगी, तुझे यहीं ख़त्म करवाऊँगी। वो उसके घर गए, उसके भाइयों ने भी इसको धमकी दिया मरवाने के लिए, ये वापस आ गए। लड़ाई बड़ी तो मैम हुई है, कुंडी ला के अपने अंदर लेट गए। उसके बाद उसके पहले दो भाई आए हैं, एक मामा का लड़का और एक उसका सगा भाई, और उन्होंने बाइक पीछे खड़ी करी है, आए की कुंडी खुलवाई है। इन्हें पूछा भाई आपने खोली बजाया कि? हाँ हमने बजाया। कि बोलो तुमने मेरी बहन को कैसे बोला, ये बोला वो बोला, कि अंदर आ जाओ अंदर बैठ के बात करते। ये नहीं, लड़की यहीं खड़ी थी, उसने बोला नहीं मारा यहीं है, बात यहीं हुई तो यहीं बात होगी। आपके हस्बैंड ने उस लड़की को मारा भी था? कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ उसको डांटा था कि ऐसे गंदे बोलते गालियां देके जाना अच्छी बात नहीं है। तो उसने बोला यहीं होगा, जो कुछ होगा अंदर नहीं जाना। इतने में वो मतलब बात ही कर रहे थे, इधर से दो लड़के आए बाइक पे, बाइक से उतरे और कॉलर पकड़ के जो आगे बाइक चला रहा था उसने उनको छुरी लगा दी। तो चाकू पहले से लेके आए हुए? वो उन्होंने पीछे लगाया था। फिर उसके बाद लड़की ने रोकने की कोशिश, लड़की के परिवार ने रोकने की? किसी ने नहीं की, सब खड़े देखते रहे। उन्होंने छुरी मारी। कितने चाकू से वार किया? बस एक चाकू इतना गहरा मारा था कि उनको खून की पिचकारी चल गई थी। आप मौके पर वहाँ? मौके पे मैंने थी, मेरी लड़कियाँ थी, ये दोनों, इन्होंने देखा। ये लड़की तो इसके पापा जैसे अंदर भागे हैं, अंदर जाने लगे, वो अंदर फिसल के गिर गए खून पे से। इस लड़की ये देख के अपने बाप की हालत को वहाँ तुरंत साथ साथ बेहोश होके गिर गई थी। ये लड़की थी, मैं बाहर गई थी, इसने मुझे फ़ोन करके बोला कि मम्मी जल्दी आ जा, पापा को किसी ने चक्कू मार दिया और उनको खून निकल रहे हैं, वो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। जब तक मैं पहुँची हूँ, मेरी बड़ी लड़कियाँ पहुँची हैं, जब तक ये किराएदार ऊपर वाले हैं, उनके लड़के ने गाड़ी निकाली डाला उसमें, इनको सोनिया हॉस्पिटल में लेके गए। जब तक सोनिया हॉस्पिटल पहुँचे वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि कुछ नहीं। ज़्यादा गहरा चाकू लग जाने से ऐसा हुआ? बहुत ज़्यादा गहरा चाकू लगा था। कितने बच्चे हैं आपके परिवार? मेरे पास 6 लड़की है। 6 की 6 बेटियों की शादी हो रखी है? 2 की शादी हो रखी है, 4 को आ रही है, 4 और 4 पढ़ रही है। अब परिवार में पालन पोषण के लिए कौन? कोई भी नहीं है। मैं कोई काम धंधा नौकरी करती नहीं, मैं घर में रहती थी, बस यही करने वाले थे। जो काम करते थे आपके? इन स्कूल में इनकी गाड़ी लगी हुई थी। बेटा आप मौके पे मौजूद थे, क्या देखा था आपने? 2 भैया आए थे बाइक से उतरे थे, पहले तो 2 आए थे बात करने के लिए, तो पापा ने बोला था कि अंदर आ जाओ, तो अंदर आने से मना कर दिया कि नहीं अंदर नहीं आएंगे बाहर ही आओ। तो बाहर खड़े थे, तो मुश्किल से 5-10 मिनट बात हुई होगी, इतने में 2 भैया आए थे, उन्होंने उतर के मारा था। उस समय फिर आपने क्या किया? आप डर गए क्या, आप छुप गए? नहीं छुपे नहीं थे, नीचे ही आए थे हम सबसे पहले,
पापा को ज़्यादा खून बह रहा था तो खून रोकने के लिए कपड़ा भी लगाया था पर नहीं रुका खून। फिर मम्मी को फ़ोन किया था और पापा को हॉस्पिटल लेके गए थे। अच्छा, उस लड़की की उम्र क्या रही होगी? 20 साल। 20 साल जी, लड़के भी यही 20 और 22 साल के बीच में ही है, सिर्फ बड़ी नहीं है। अभी गिरफ्तारी हो गई उसकी, कुछ पता है? हाँ जी, गिरफ्तार हो गया। हाँ जी, क्या पुलिस प्रशासन से मांग करना चाहते हैं आप लोग? देखिए, पुलिस हमारा वैसे बहुत साथ दे रही है। अभी तो गिरफ्तारी हो गई है, पर ये बताइए क्या लगता है आपको, मतलब पांचों लोगों को एक उच्च सजा होगी? तो होनी चाहिए, क्योंकि किसी के बाप का साया सर से हटाना, किसी इंसान को जरा सी बात है मारना बहुत अच्छी बात नहीं है। उनकी जरा सी जुबान लेगी, इस लड़की का जरा सी जुबान लेगी, आ जाओ, और मेरे बच्चे अनाथ कर दिए उसने। मेरे बच्चों करने वाला कोई नहीं, संभालने वाला कोई नहीं, इनका कौन करके देगा? हमारे तो आगे पीछे कोई नहीं है ना। भैया ये बताइए कि क्या समय रहा होगा उस समय? वही 9:30 के बीच की बात है। आपको क्या लगता है कि क्या इस व्यक्ति ने कुछ गलत बात कही जो इतनी बड़ा मैटर बन गया? गलत बात तो कुछ भी नहीं कही, इन्हें धमकाया था बस, तू मेरी बेटी समाने मत बक यहाँ पे गाड़ी, बस इतनी सी बात पे। उसके बॉयफ्रेंड आए और उसके भाई आए दो। अब इस तरीके की जब समाज में घटना हो जाती है तो क्या आपको डरना चाहिए कि हम किसी को सलाह भी ना दे? तो डरना तो चाहिए, हम तो सोचेंगे भाई हमारा देना भारी पड़ गया, सलाह देना भारी पड़ गया हमारे को, हम तो यूं ही सोचेंगे। फिर पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो यूं ही चाहेंगे उन पांचों को सजा हो, आगे की जो कि और किसी को ना करे ऐसा कुछ गलत। परिवार में कोई कमाने वाला है भाई जी इनके? नहीं, कोई नहीं है मैम, कोई नहीं है कमाने वाला इनके। बड़ा भाई छोटा भाई इनका कोई नहीं? नहीं, कोई नहीं है, ये 6 लड़कियां हैं बस इनको। अभी तक किस प्रकार से गुजारा? और लड़की का घर इसी गली में है? हाँ जी, आगे जाके उधर दूसरी तीसरी गली में, दूसरी तीसरी इसी गली के पास ही जी। और रेगुलर उस लड़की का मतलब आप यहीं रहते हैं? नहीं, हम यहाँ पे नहीं रहते जी। अच्छा, पहले भी इस प्रकार की उस लड़की के बारे में कोई बात सुनी है कि इस तरीके का चक्कर था या कोई गलत लड़की थी वो? इस तरीके की गलत ही लड़की थी वो, जो यूँ घूमती थी रातों को, 2 नंबर में रहते थे, रातों को 11-12 बजे तक घूमती थी वो। जिसने ये हादसा करवा दिया तो वो गलत ही होगा ना इंसान, वो सही तो नहीं हो सकता। वो हमारे लिए क्या सही है, वो दूसरों के लिए क्या सही होगा, मुझे बताओ आप। अच्छा आदमी, ठीक है, अगर कोई अच्छा इंसान होता या कोई सही लड़की होती तो पहली बात वो गाली नहीं बकती, और ये काम नहीं होता तो वो हमारी नज़र में सही नहीं था। हमारे तो बहन भाई जितने भी थे ये अनाथ हो गए, हमारे ऊपर से एक चाचा का साया गया, जो भी कुछ था हमारे को तो अकेलापन हो गया ना, हमारा तो खून गया एक, हमारा तो परिवार का सदस्य गया, तो उससे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी कोई हमारी तो मांग यही होगी कि उन 500 को सजा भी हो और उनको पता लगना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। क्या नाम है आपका? मानसी। क्या आपको क्या जानकारी मिली, किस तरीके की जानकारी मिली इस घटना के बारे में? किसी का भला करना ठीक नहीं है, इतने छोटे छोटे बच्चे, वो 20 साल की लड़की, हमसे भी छोटी, उसको गलत सलाह दी ना। क्या मतलब उस लड़की को आप पहले कभी जानते थे? पहले से हमने तो कभी देखा नहीं था, चंदा नाम है उसका, और हमने कभी ऐसे देखा नहीं, हम बाहर नहीं निकलते। और इतनी बड़ी घटना हो जाती है, अब परिवार किस तरीके से चलेगा? क्या सरकार से मांग करना है, क्या समाज को एक मैसेज देना चाहेंगे? बस उनको सजा हो जाए, मेरे बाप को मुक्ति मिल जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? दिल्ली पुलिस क्या कहे, हमारे प्रशासन से क्या मांग होनी चाहिए? जिस तरीके की घटना हो, एक समाज में एक संदेश जाता है कि कर भला तो हो बुरा, इस तरीके का एक समाज में मैसेज आता है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली, मैं कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।